हेलो स्टूडेंट्स क्लास थ्री इट इज़ चैप्टर नंबर फोर पेज नंबर फोर ज़ीरो फोर्टी वीडियो नंबर एट फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लुक एट हेयर इसको आप पहचानते हैं इसको हम पी कहते हैं शॉर्ट में और फुल फॉर्म है इसकी पेन ड्राइव ओके और एक और नाम है इसका फ्लैश ड्राइव देखिए आपने घर पे पहले ये पी या पेन ड्राइव ओके दिस इज पेन ड्राइव और ये इसका कवर है यहां पे लगाने के लिए टू कीप इट सेफ पेन ड्राइव शॉर्ट में पी और इसको हम कह सकते हैं फ्लैश ड्राइव ऑल्सो पेन ड्राइव इज ए कॉम्पैक्ट मीन्स स्मॉल एंड ईजी टू कैरी छोटी सी ये देखने में है ना छोटी सी एंड पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस कहीं भी हम इसको ले जा सकते हैं इट कैन बी मूव्ड और ये इलेक्ट्रॉनिक भी है ठीक है एंड इट इज स्टोरेज डिवाइस इसमें हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं विद द फॉलोइंग फीचर्स फीचर्स मीन्स क्वालिटीज क्या क्वालिटी है नंबर वन फुल फॉर्म इज यूनिवर्सल सीरियल बस इसका मीनिंग होता है प्लग एंड प्ले जैसे ही हम इसको प्लग करते हैं ये प्ले हो जाती है इट मीन्स रेडी टू वर्क ओके यूएसबी प्लग एंड प्ले सपोर्टेड सपोर्टेड ओके ये प्लग एंड प्ले फीचर को सपोर्ट करती है ओके okay? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम लैपटॉप होता है उसके साइड में आपने इस प्लेस देखा है ठीक है उसमें हम यहाँ पेन ड्राइव लगाते हैं नोटिस किया है आपने लैपटॉप में साइड्स में जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं पोर्ट उस पोर्ट में हम अपने ड्राइव को लगाते हैं देखा है आपने और ऐसे ही अपने सीपीयू बॉक्स में भी हम लगा सकते हैं वहाँ पे पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं यूएसबी जैसे ही हम इसको अटैच करेंगे इट विल बी रेडी टू वर्क तो उसको हम कहेंगे प्लग एंड प्ले सपोर्टेड ओके सपोर्ट करता है प्लग एंड प्ले फीचर को ऑल्सो कॉल्ड फ्लैश ड्राइव इसको हम फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं इट स्टोर्स मोर डेटा देन सी डी एंड डीवीडी ये सी या डी से कहीं ज़्यादा डेटा स्टोर करता है इसलिए आजकल हम सभी चाहे टीचर हो डॉक्टर हो इंजीनियर हो प्रोग्रामर हो कोई भी यूज़र चाहे स्टूडेंट्स हो अपना डेटा पेन ड्राइव में सेव करना बेहतर समझता है अच्छा समझता है बिकॉज इसमें हम ज़्यादा डेटा सेव कर सकते हैं क्योंकि हम इसमें ज़्यादा डेटा सेव कर सकते हैं ओके okay? इसको हम प्रेफरेंस देते हैं एज ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ये कंप्यूटर के अंदर नहीं है कंप्यूटर में लगाया जाता है इसलिए इसको हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कर कहते हैं मीन्स आउटसाइड द कंप्यूटर इसके इसको हम आउटसाइड द कंप्यूटर ऑक्सिलरी मेमोरी में लेते हैं इसको सेकेंडरी स्टोरेज में लेते हैं क्योंकि ये आउटसाइड द कंप्यूटर है इनसाइड द कंप्यूटर नहीं है इसको हम लगाते हैं तब ये काम करता है प्लग एंड प्ले फीचर के साथ इसको हम फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा डेटा डेटा स्टोर करता है सीडी और डीवीडी से अगर हम कंपेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करता है ये हमारी फर्स्ट चॉइस है पेन ड्राइव पेन ड्राइव सभी लोगों के पास ज़्यादातर होती है और आपने देखी होगी होपफुली नहीं देखी तो आप पहचान लीजिए दिस इज़ कॉल्ड पेन ड्राइव और शॉर्ट में पी डी